नमस्कार दोस्तों, धूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज है नवरात्रि का अष्टमी दिन यानी आठवां दिन और आज है मंगलवार। तो आज जो उपाय आप लोगों को बताऊंगी, इसे संध्या के समय से शुरुआत कर लेना, नहीं तो अभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संध्या के समय से शुरुआत करना और साथ में इसे हर दिन करना। खास तौर पर इसे या तो सुबह खाली पेट में करना रहता है, नहीं तो फिर इसे संध्या के समय में करना रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज जिस उपाय के बारे में मैं बताने वाली हूँ, वो उपाय को जानने से पहले आप ये जान लो कि ये उपाय क्या क्या बेनिफिट्स करता है। सबसे पहले, अगर आप मनी को चाहते हैं कि आपके जीवन में इसका फ्लो हो, तो ये मनी को ऐड करेगा। हार्मनी, पीस, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एक शब्द में कहा जाए तो रिद्धि सिद्धि को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप अपने जीवन में बिल्कुल निराश हो चुके हैं या फिर बहुत सुपर एक्साइटेड है कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत पैसे चाहिए, मनी का फ्लो चाहिए लाइफ में, कहीं ना कहीं से आता रहे, तो फिर भी आप दोनों ही सिचुएशन में इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए जिस दो चीज़ की मैं बात करूँगी, वो ईजी टू यूज़ है। कैसे? क्योंकि इसका बेनिफिट भी मैं समझाऊंगी कि इसे जब आप अपने खाने में लेते हैं। तो आज जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले जान लो कि ये दो चीजें हैं, वो है, एक तो है सिनेमन पाउडर और दूसरा है जिंजर पाउडर। ओके, तो जिंजर पाउडर यानी कि आपको मार्केट में जिंजर पाउडर मिल जाएगा, सिनेमन पाउडर भी मिल जाएगा। अब करना क्या है, क्योंकि मैं इस उपाय को ऑफ कैमरा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं और मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ करती हूँ मैं ऑफ कैमरा, लेकिन आज आप लोगों को मैं ऑन कैमरा ही करके बता रही हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले मैंने ये सिनेमन पाउडर लिया, ठीक है, प्लेट में लेती हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं भी हाथों में ले रही हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। इतना थोड़ा मैंने सिनेमन पाउडर लिया और इतना ही थोड़ा मैंने जिंजर पाउडर भी लिया। ओके, तो जिंजर पाउडर इसे हम मिक्स करेंगे, यानी जिंजर पाउडर प्लस सिनेमन को, यानी ये दो को हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे और मिक्स करेंगे। ओके, ऐसे अच्छे से इन दोनों का मिश्रण तैयार करेंगे और जब हम इसे मिक्स करेंगे तो हम एफर्मेशंस बोल सकते हैं, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी कोई भी इच्छा है उसे आप कह सकते हैं। मैं इसे जिस प्रकार से यूज करती हूँ वो मैं कहती हूँ कि मनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, पैसा मेरे जीवन में एक खास स्थान रखता है, हर तरफ से, चारों दिशाओं से पैसा मेरी तरफ आता है, मेरे अच्छे कार्य के लिए मेरे पास पैसे आते रहते हैं और साथ में ये दिन दुगुनी रात चौगुनी होते रहती है। देखो, ये एफर्मेशंस है, आप खुद भी तैयार कर सकते हो अपने लिए, आपको जो चाहिए उसके हिसाब से। कभी भी रोबोटिक मत बनना कि उसने ऐसा बोला तो मुझे भी ऐसा बोलना, नहीं, आपके अंदर से वो भाव आने चाहिए, है ना, वो इमोशंस आने चाहिए जो आप कह रहे हो। तो मैं इसे 8 बार घुमाते हुए करती हूँ। इसके बाद क्या करती हूँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, लेकिन एक चुटकी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है पर काम बड़े काम की आती है, है ना। तो इसको क्या करना है, मैं सुपर टेस्ट है, इसे टेस्ट करती हूँ एंड उसके बाद मैं जब ये टेस्ट करती हूँ ना तो थोड़ा पानी भी पी लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। यानी आप अगर चाहते हैं कि आपका वजन घटे तो फिर जिंजर पाउडर एंड सिनेमन पाउडर बेस्ट होता है, बट इसकी क्वांटिटी भी आपको जाननी चाहिए होती है कि बहुत छोटी सी पिंच ऑफ क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसे क्या किया, मैंने इसे अपने जेब पर रखा, यानी मैंने इसे लिया, अपने मुँह में लिया एंड आफ्टर दैट मैं फील करती हूँ जो एफर्मेशंस मैंने इसमें कहा वो तो चार्ज कर ही चुका है, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसे मुंह पे डाला तो भी मैं ये फील कर रही हूँ एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में धन ऑफ इनकम और आपके जीवन में सारे ब्लॉकेज को हटा रहा है। लेकिन मैं उस समय ब्लॉकेज के बारे में नहीं सोच रही हूँ कि वो हटा रहा है, मैं उस वक्त ये सोच रही हूँ कि मेरे जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं
और ये जब खुल रहा है मेरे अंदर जब जा रहा है तो दैट मीन्स मैं कंज्यूम क्या कर रही हूँ, मैं कंज्यूम कर रही हूँ एबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, यानी रिद्धि सिद्धि को, ठीक है। तो फिर मैं पानी पी लेती हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, या फिर आप पानी पी रहे हो, या फिर दूध भी पी रहे हो, तो आप सिर्फ एक पिंच तक, आप ये पिंच उस वैसे ड्रिंक्स में भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। वो फ्रूट जूस भी हो सकता है, कॉफी, चाय या फिर दूध, आप उसमें एक पिंच डालकर उसे घोलकर आप पी लो। हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही, साथ में आप मनी को भी अट्रैक्ट करते हो। इसके बाद जो बच जाती है, यानी आपने प्लेट में किया, मैंने अभी आपको समझाने के लिए हाथ में किया, आप हाथों में भी कर सकते हो, बशर्त है कि हाथ बड़े साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है ना, हैंड वॉश कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ऐसे हाथों में रगड़ना और कहना है कि मेरे पास समृद्धि है, मेरे पास धन है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और मैं जो चाहती हूँ वही अट्रैक्ट करती हूँ ब्रह्मांड, ईश्वर, यूनिवर्स की कृपा से। तो जब आप इसे महसूस करते हैं तो कुछ देर हाथों को रब करने के बाद आप इसे ऐसे ही खुला छोड़ें और आप फील करें उस एनर्जी को, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, कि आप एनर्जी को बुलाते हो जो आपके चारों तरफ एनर्जी घूम रही है। उसके बाद क्या करना है, आपको हाथ नहीं धोना है, इसे रहने दो, ये ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपके हाथ से निकल जाएगा। बट यस, आप अगर कोई काम करने के लिए जा रहे हो या फिर कुछ खाना खाने जा रहे हो तो आप हाथ धो सकते हो, लेकिन मैं इसे ऐसे समय में करती हूँ, संध्या के समय में करती हूँ, जब मुझे पता है कि इस समय में मुझे इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं करना है जो पानी से रिलेटेड हो, क्योंकि मैं इसके बाद क्लाइंट्स देखती हूँ और फिर अपना काम करती हूँ, जो लिखना हो, पढ़ना हो, ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो मुझे हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये पाउडर आपके हाथों में फैल कर ये गिरने शुरू हो जाते हैं। तो डोंट वरी, मत पूछना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाथ धोना है कि नहीं, ये करने, हाथ धोया तो भी अच्छा, नहीं धोया तो भी कोई आपको नुकसान नहीं है, बस हाँ खाने से पहले हाथ धो लेना, ठीक है ना, ईजी है। आप आज क्या करना है, आज तो ये एक रिचुअल कर ले रहा। इसके बाद आपको क्या करना है, संध्या के समय में 7 से 9 के बीच में, शाम के 7 से 9 के बीच में आपको भगवान हनुमान की 40 का पाठ करना है, बजरंग बाण और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, और आपकी इच्छा भगवान हनुमान से कहनी है, क्योंकि आज मंगलवार है और नवरात्रि में भगवान हनुमान की पूजा करना एक विशेष विशेष फलदायी साबित होता है, और साथ में आपकी कोई भी इच्छाएं होती है उसे वो पूर्ण कर देते हैं भगवान, ठीक है ना? ये छोटे छोटे जो नियम मैंने बताए ना, ये बहुत पावरफुल है, ये आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, और ये कुछ कुछ चीज़ें होती है क्योंकि हमें पता है कि ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये मनी को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको अगर ऐसे करें तो कैसा रहता है। तो उसी प्रकार से मेरे सारे चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ज़्यादा तौर पर मैनिफेस्ट के लिए, वेल्थ के लिए, या फिर लव के लिए, पीस के लिए। तो ये छोटा सा एक उपाय आप लोगों के पास लेकर आई हूँ, आज तक जितने भी उपाय बताए हैं सारे गजब के काम कर चुके हैं। ये भी उपाय करके देखो, ये भी उपाय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगला वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि और एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। नमस्कार।